आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह को लेकर कई चीजें सामने आई हैं, जिसको देखते हुए आगे की जांच के लिए पूरे मामले को सीबीआई को देने का फैसला रेलवे बोर्ड ने किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बालासोर हादसे की अब सीबीआई जांच कराई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस बात की सिफारिश की है। यह कहा गया है कि शुरुआती जांच में कई चीजें सामने आई हैं, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि अब रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी, ताकि हादसे की सही वजह का पता लग सके। हालात के आधार पर दरअसल ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक तरफ बालासोर हादसे की सीबीआई जांच की जाएगी, दूसरी तरफ 51 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को, और अब आखिरकार इस रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से जो ट्रेन है वो दौड़ने लगी। राजकोट में बाबा ने हिंदुओं से हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे राम मंदिर के लिए आवाज उठाई थी, ऐसी ही आवाज उठाने की जरूरत है। प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लौ जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। बाबा ने दिल्ली में हुई नाबालिग लड़की की हत्या का जिक्र किया, लव जिहाद को मिटाने की हिंदू राष्ट्र की जरूरत बताया, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होने पर जोर दिया। इधर दिल्ली के शाबाद डेयरी मर्डर केस में आरोपी साहिल को जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसे कल कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद साहिल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं इस केस में पुलिस ने नई धारा भी जोड़ी है। आरोपी साहिल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस इस केस की जांच में जुटी हुई है और सबूत जुटा रही है। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया था। हथियार को साहिल की निशानदेही पर बरामद किया गया था। 28 मई की रात नाबालिग लड़की की साहिल ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वो जेल में रहते हुए अपने भाई अनमोल बिश्नोई से फोन पर बात किया करता था। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, जिसके अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपे होने का दावा किया जाता है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस लगातार उससे जेल में रहते हुए बात कर रहा है। दावा तो ये भी है कि उसके इशारे पर कैलिफोर्निया में बैठा अनमोल बिश्नोई ही गैंग के सारे फैसले लेता है। असल में ये जानकारी पुलिस को अनमोल बिश्नोई के करीबी से मिली, जिसे पुलिस ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। उसने ये भी दावा किया कि अनमोल बिश्नोई कुछ दिन पहले तक गोल्डी बराड़ के साथ कनाडा में छिपकर बैठा था। और इस बीच देहरादून के गैंगस्टर अतीक अहमद पर पुलिस ने एक्शन लिया है। उसके अवैध घर को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसका यह अवैध घर सरकारी जमीन पर बना था। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध घर को तोड़ दिया। जमीन सरकारी जमीन पर जो नगर निगम की जमीन है, उसने एक अवैध मकान बनाया था। पिछले साल देहरादून के रहने वाले अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक के खिलाफ जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। अतीक अहमद के फरार होने के बाद 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और उधर झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें सुरक्षा बल को लगातार कामयाबी मिल रही है। नक्सलियों की साजिश को पश्चिमी सिंहभूम में नाकाम कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल ने 5 दिनों में 33 IED बरामद किए हैं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन IED प्रेशर बम को लगाया था। इन बम की चपेट में गांव के लोग आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल ने टोंटो और गोइलकेरा क्षेत्र के कोल्हान जंगल में संयुक्त अभियान चलाया था।